कर गया। 10 मई को पहले दिन तकरीबन 4 करोड़ रुपए की शराब ऑनलाइन खरीदी गई। इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर शराबबंदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि शराब के अभाव में लोग दूसरी नशीले चीजें पी रहे थे, जिससे कई लोगों की जान जा रही थी। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि महामारी के वक्त में लोगों को दवा की ज्यादा जरूरत है या फिर दारू की। मदिरा प्रेमियों के ऑर्डर से क्रैश सर्वर को कुछ ही घंटों में सुधार लिया गया। पहले दिन CSCML की वेबसाइट पर करोड़ों रुपए की मदिरा का ऑर्डर मिला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने निशाना साधा और कहा कि लोगों को दवाओं की होम डिलीवरी की जरूरत है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार शराब परोस रही है। बीजेपी नेताओं ने बघेल सरकार की शिकायत राज्यपाल से भी की। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में शराब पीकर 10 लोग मर गए, फिर भी सरकार सभी को शराब पिला रही है। कि शराब पी के 10 लोग मर गए और इसलिए शराब बिक्री शुरू कर दिया ऑनलाइन। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा है कि दुर्घटना में लोगों की मौत होती है तो जांच होता है, मदद की जाती है, उल्टा इन लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल दे के प्रयास। ये भी दुर्भाग्यजनक है कि दवाई मांग रहा है आदमी, घर पहुँच सेवा हो, खाने के लिए घर पहुँच सेवा हो, बाकी विषयों के लिए घर पहुंच सेवा हो, मगर शराब बेचने में कितनी जल्दबाजी है कि शराब बेचने के लिए तत्काल आदेश होते हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय चंद्राकर ने भी चुटकी ली और ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार को हर साल 10 मई को शराब दिवस मनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता सरकार के प्रति कृतज्ञ रहेगी। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि भाजपा के 15 साल के राज में लोग बड़ी संख्या में शराब के आदि हो गए। छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब के खपत में देश में नंबर 1 हो गया। प्रदेश में लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद होने से लोग स्प्रिट सैनिटाइजर पीने लगे, जिससे उनकी मौत हो गई। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की। 7 राज्यों से सीमा लगने के कारण भी छत्तीसगढ़ में शराब तस्करी रोकना आसान नहीं है। पिछले 15 सालों में इस प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को शराब की लत लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में अव्वल था। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद हुई, बड़ी संख्या में लोगों को ज़्यादा स्पिरिट पीने, होम्योपैथिक की दवाई पीने, जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौतें भी हुई। 8 मौत बिलासपुर में हुई, रायपुर में 4 मौत हुई। इसके बाद यह आवश्यक था कि शराब की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, इसलिए सरकार ने होम डिलीवरी का प्रयास किया। शराबबंदी के कांग्रेस के वादे के उलट शराब की होम डिलीवरी से विपक्ष का हमलावर होना लाजमी है। कांग्रेस सरकार को अपनी छवि सुधारने के लिए कुछ ठोस निर्णय लेने पड़ सकते हैं। जुल्फिकार अली, रायपुर, हिंदी खबर। यहाँ तो छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन शराब की बिक्री को लेकर सियासी पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। वादा खिलाफी का आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगा रही है, तो कांग्रेस की तरफ से कुछ और तर्क इस पर दिए जा रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की शराब की होम डिलीवरी आखिर कितनी सही है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, जबकि बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुराग अग्रवाल साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत मैं नितिन भंसाली साहब आपसे ही करना चाहूँगा। महामारी के दौर में दवा दारू का इंतजाम दुरुस्त रहना चाहिए, लेकिन दारू को आप लोगों ने इतनी गंभीरता से ले लिया, घर घर होम डिलीवरी से अब जान बचेगी क्या लोगों की? जिस प्रकार इन 15 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को कहें, प्रदेश की जनता को कहें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शराब का आदि बना दिया, इस वजह से आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान कई किस्से ऐसे सुनने को मिले कि किसी ने सैनिटाइजर पी लिया, तो किसी ने कफ सिरप के कोई ऐसा केमिकल मिलाकर पी लिया और उनकी असारत मृत्यु हो गई। इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए शराब की दुकानें खोली गई, दुकानें भी खोली गई है, ऑनलाइन डिलीवरी की गई है ताकि कहीं पर भी ऐसी कोई भीड़ एकत्रित ना हो। और 15 वर्ष मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी से पहले ये पूछिए डिबेट में बैठे हैं कि क्या उन्हें शराब से नफरत है और क्या वे शराबबंदी के पक्षधर है? मुझे मालूम है कि वो 15 वर्षों तक के इन्होंने क्या, मेरा सवाल ये तर्क आपको लग रहा सही है भंसाली साहब जी?
नहीं नहीं ये तर्क आपको लग रहा है कि अगर 15 साल में उन्होंने शराबी बना दिया छत्तीसगढ़ के लोगों को, तो आप आगे का काम आप करेंगे? देखिए ये एक बीमारी, ये जड़ से मिटाने में इसे नोटबंदी, जीएसटी और थोपे हुए लॉकडाउन के जैसे इसको नहीं किया जा सकता। इसके पीछे भी बहुत बड़े रीजन है कि 7 राज्यों बंसाली साहब जान देने वाले तो सल्फास खाकर भी जान देते हैं। आप कहिएगा कि हम सल्फास की भी होम डिलीवरी करा देंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, सल्फास एक जहर है। आप तो शराब अमृत है छत्तीसगढ़ सरकार की नजर में। नहीं मैं बिल्कुल विरोध करूंगा इस बात का कि कोई सल्फास खा के मर रहा है तो क्या हम सल्फास की होम डिलीवरी कराएंगे? मुझे आपत्ति है आपकी इस बात पर। बात जो है, डिबेट जो है शराबबंदी पे हो रही है, शराब की होम डिलीवरी पर हो रही है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तार्किक जवाब दे रहा हूँ। इसके बाद आप बीजेपी के नेताओं का पक्ष भी लीजिए, मैं उनको आंसर दूंगा, वो किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं उसका भी जवाब दूंगा। पर यदि कोई ये कहता है कि हमने होम डिलीवरी शुरू की है, तो उसका कारण भी मैंने बताया कि होम डिलीवरी शुरू करने का शराब। ठीक, मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। मधुकर द्विवेदी जी, ये तर्क आपको गले उतर रहा है कि अगर शराब का लती पिछले 15 वर्षों में किसी सरकार के रहते अगर हो गए लोग, तो अब उनको घर घर तक सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, वो भी ऐसे दौर में जब लोगों को दवाओं की ज्यादा जरूरत है? देखिए हंसाली जी, 15 साल के भाजपा के कार्यकाल का जिक्र कर रहे थे और कह रहे हैं कि आदि बना दिया बीजेपी वालों ने, यानी बीजेपी की सरकार ने। भैया आपने तो वादा किया था कि हम बिल्कुल बिल्कुल समाप्त कर देंगे और दारू की दुकानें नहीं दिखाई देंगी छत्तीसगढ़ में, हम प्रतिबंध लगा देंगे शराब पर। क्या हुआ श्रीमान आपके वायदे का? तो देखिए अच्छे जी, ये सारी बातें किसी आम छत्तीसगढ़िया से तो गले नहीं उतरेंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की तो आप उसको दुरुस्त करिए ना। लोगों ने आपको सत्तासीन इसीलिए तो किया है ना, कि अगर गलतियां हमने की है, हमको मैंने भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की है, खामियाजा भुगत लिया उन्होंने। अब आप शासन पे हैं, उनकी न सिर्फ उनकी गलतियों को सुधारिए बल्कि एक ऐसा छत्तीसगढ़ बनाइए कि लोग वर्षों बरस आपको याद करें और अगली बार फिर आपके बारे में सोचें। लेकिन ये कह देना कि ये बीमारी है, क्या बीमारी है और कौन किसी को लत पड़वाता है? क्या आदमी खुद ही शराब का आदि होता है? बंसाली जी, कोई भी सरकार किसी को शराब पीने का आदि नहीं बना सकती। शराब अच्छी चीज है या बुरी ये डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर एक अच्छे सुशासन की बात होती है तो उसमें शराबबंदी की भी बात आती है। और लोगों को ये उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, अब तो नई क्या, अब तो 2.5 साल की सरकार हो गई। नई सरकार से उम्मीद थी कि नई सरकार उन गलतियों को नहीं दोहराएगी जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं, सवाल ये है कि कांग्रेस के एजेंडे में था कि पूर्ण शराबबंदी की जाएगी, लेकिन क्या अपने इस वादे से अब मुकर रही है? मैं दोबारा आऊंगा आपके पास बंसाली साहब। एक रिएक्शन अनुराग अग्रवाल साहब, वो तो कह रहे हैं 15 सालों में आप लोगों ने लती बना दी, हम करें क्या? एक बचपन में कहानी पढ़ा था जिसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, मुझे लगता था वो कहानी मनोरंजन के लिए गढ़ी गई थी, लेकिन वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली देखकर लगता है वो कहानी गढ़ी नहीं थी, वो आज के परिप्रेक्ष्य में सत्य बात थी। जो नितिन भंसाली जी जिन बातों को कह रहे हैं, मैं सिलसिलेवार उन बातों का खंडन करता हूँ या उन बातों का पक्ष रखता हूँ। नितिन भंसाली जी कहते हैं कि लगातार अवैध शराब या जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। आप देखिएगा भाई महोदय, जिस वर्ग के लोगों की मौत हुई ऑनलाइन में वो शराब मिल ही रही है। ऑनलाइन में जो प्रीमियम रेंज की शराब बेचते हैं वो वर्ग तो उस शराब को खरीदेगा ही नहीं। दूसरी बात ये कहते हैं कि इससे शराब की तस्करी रुकेगी। आप जानते हैं जिस प्रदेश में शराब दुकान खुली हुई थी उसमें भी शासकीय शराब दुकानों में दूसरे प्रदेशों की शराब मिली है। दूसरा, जब शराब दुकान खुली हुई थी तो कोरबा के बाकी मोंगरा में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई थी। वास्तव में ये बहुत बड़ा बहाना है इनको शराब खोलने का। वास्तव में इसके पीछे तो ये बीजेपी का अनुराग अग्रवाल साहब, आपको नहीं लग रहा कि डबल स्टैंडर्ड है? एक जगह विरोध करते हैं, एक जगह समर्थन कर देते हैं। यूपी में भी शराब की दुकानें आज से खुल गई हैं। आप मानते हैं कि वहां की सरकार ने भी गलत निर्णय किया? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जो शराब का दौर है कहीं भी किसी भी प्रकार के वो बिल्कुल गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। यानी योगी सरकार का फैसला आप गलत मानते हैं कि गलत वहां हुआ? अगर छत्तीसगढ़ में गलत हुआ तो वहां पर भी गलत डिसीजन हुआ। शराब और प्रधानमंत्री ऑनलाइन बेचने का फैसला तो हर जगह गलत ही माना जाना चाहिए। ये मानवता की बात है, ये राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूँ आप एक बात समझिएगा, इस बात के पीछे ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे दबाव के पीछे है कौन, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि शराब दुकान खुलनी पड़ी। आप देखिए लॉकडाउन होने के जस्ट पहले प्रति व्यक्ति शराब धारण की जो क्षमता 2 लीटर थी उसको 5 लीटर किया गया।
अब एक तथ्य मैं और बताता हूँ, पिछले साल का अगर आंकड़े की बात करें तो पिछले साल लगभग 14,000 रोड एक्सीडेंट हुए एक साल के अंदर 2020 में, छत्तीसगढ़ में 14,000 रोड एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 4,556 लोगों की मौत हुई है और उसमें से लगभग 2600 लोगों की मौत शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई है। मतलब प्रति महीने 300 मौतें सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण हुई है। और ये मैं तो सिर्फ उस मौत की बातें कर रहा हूँ जो शराब पीकर गाड़ी चलाने से हुई, शराब से जो डायरेक्ट मौतें हुई है उसका आंकड़ा तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस समय जब छत्तीसगढ़ में आज 11-12 हजार के आसपास मरीज रोज मिल रहे हैं और 200 के ऊपर मरीज की मौत हो रही है रोज की रोज, और सरकार इसको नियंत्रण में है बता रही है, जबकि ऐसे समय में गांव-गांव में कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है। माननीय यही इसीलिए तो आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सरकार का फैसला सही है। मैं भंसाली साहब आपके पास आऊंगा क्योंकि जवाब आपको देना है। नितिन भंसाली साहब, ये आइडिया था किसका वैसे? कौन सा आइडिया? ये शराब की ऑनलाइन बिक्री का? देखिए ये कोई आइडिया नहीं था, ये कोई आइडिया नहीं था, ये कोई कोई पूर्व प्लानिंग नहीं थी। जैसे हम रोज देख रहे थे कि लोग प्रेस पीकर, लोग कफ सिरप पीकर, लोग कुछ केमिकल ऐसे आते हैं वो नशे के वो पीकर उनकी मृत्यु हो रही थी, अकारण मृत्यु हो रही थी। तो इसको देखते हुए जो 15 सालों से जो नशों में शराब का नहीं, तो इसका मतलब क्या क्या निकाला जाए? भंसाली साहब आप कह रहे हैं कि शराब की अवैध बिक्री बढ़ गई थी सरकार में छत्तीसगढ़ सर सुन तो लीजिए, भंसाली साहब आप कह रहे हैं कि शराब की तस्करी बढ़ रही थी, तो इसका मतलब ये माना जाए कि तस्करी को रोक पाने में सरकार नाकाम हो गई इसलिए फैसला लगा दिया। तस्करी बढ़ रही थी ये मैंने नहीं कहा, तस्करी बढ़ रही थी ये शब्द का उपयोग मैंने नहीं किया। मैंने ये कहा कि लोग अकारण लोगों की जो शराब के नशे के आदि थे की मृत्यु हो रही थी, इसलिए ये निर्णय लिया गया। भाजपा के नेता प्रदेश में शराब बिक्री का जिस प्रकार विरोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रोहन सिंह का इस प्रदेश में रसना बेच रहे थे। क्या बेच रहे थे वो? आज शराब का लती बनाने वाले लोग यहाँ पर शराबबंदी की बात करते हैं। माननीय पत्रकार महोदय जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं सम्मान दूंगा उनकी बात का। हमने हमारे घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उन वादों को लगातार हम पूरा करते आ रहे हैं और उन वादों में शराबबंदी भी प्रमुख है। शराबबंदी हम करेंगे पर नोटबंदी जीएसटी सर शराबबंदी करेंगे पहले लोगों को उपलब्ध करवाएंगे फिर कह रहे हैं कि हम बंदी करेंगे। इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है। मैं पूछना चाहता हूँ, हमने 5 बार 7 बार कोरेस्पोंडेंट किया, हमने नाम मांगे समिति में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के और सदस्यों के, क्यों नहीं दिए उन्होंने? क्यों वो नाम नहीं देना चाह रहे? क्या वे शराब के पक्षधर है? यदि वो शराबबंदी चाहते हैं तो सकारात्मक रूप से उसको बंद करने के विचार और अपने सुझाव, यानी सरकार विपक्ष से सहमति लेने के बाद ही कोई निर्णय लागू करती है। मधुकर द्विवेदी जी, सहमति तर्क आपको लग रहा है भंसाली साहब का कि हमने विपक्ष को बुलाया, विपक्ष ने कोई सुझाव नहीं दिया, हमें जो ठीक लगा हमने वो किया। अगर लोग सैनिटाइजर पी रहे हैं, अगर लोग नशीला पदार्थ पी रहे हैं शराब की लत के चलते, तो क्या ये मजबूरी सरकार की है कि आप बिक्री करना शुरू कर दीजिए? वो भी तब जब राशन की दुकानें बंद दिखाई दे रही हैं, तमाम जरूरी सेवाओं पर पाबंदियां लगी हैं। छत्तीसगढ़ में राशन की दुकानें भी खुली हैं। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन उसके लिए नियम कायदा है ना भंसाली साहब कि इतने घंटे के लिए ही लोग खरीदी कर पाएंगे, भीड़ ना लगाएं। भाई साहब शराब पे भी ऑनलाइन डिलीवरी पे भी नियम कायदा है। ऐसा नहीं है कि कोई 12 बजे ऑर्डर कर रहा है और 1 बजे उसको डिलीवरी बॉय शराब छोड़ के जा रहा है, उसके नियम बनाएंगे। मधुकर द्विवेदी साहब, ये नियम कायदे आपको समझ में आते हैं जो भंसाली साहब बता रहे हैं? देखिए भंसाली जी की जो बात है वो अपनी जगह बड़ी सही है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पे उनका जो पक्ष है वो सरकार की नीतियों रीतियों से ताल्लुक रखता है। लेकिन देखिए अक्षय जी, ये तो एक बहाना है कि लोग स्प्रिट पी करके या अन्य दवाइयां ऐसी पी करके जो स्वास्थ्य के लिए जो जितनी हानिकारक थी कि मौत तक हुई, इसकी वजह से सरकार ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन इसकी बिक्री शुरू कर दी जाए। मुझे लगता है एक बहाना कह सकते हैं आप इसको, या यूं कहिए एक एक संतुष्ट करने के लिए उन लोगों को जो बिना शराब के रह नहीं पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है, अपवाद स्वरूप दो राज्यों को छोड़ दिया जाए, जहां शराब राज्यों के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा न हो। छत्तीसगढ़ में भी जो शराब है वो यहाँ के राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा स्रोत है। और एक बात और आपको भी पता होगी, मैं कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहाँ पर शराब की खपत
जैसा कि भंसाली जी ने भी कहा और इस बात को अग्रवाल साहब ने भी रेखांकित किया कि पूरे पूरे देश में खपत शराब की सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि यहाँ के लोग एक परंपरागत तरीके से शराब का सेवन करते रहे। आदिवासी समाज वहाँ तो आदिवासी इलाकों में तो कच्ची शराब बनाने की छूट है, सरकार की तरफ से छूट है, हर चीज खुली हुई है। लेकिन लेकिन अगर इस दौर में जो संक्रमण का दौर है, कोविड नामक जो बीमारी जो पूरी दुनिया को जिसने संतरास में डाल दिया है, छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं, उसी स्थिति में अगर दवा की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाता और दारू की ओर कम ध्यान दिया जाता। बिल्कुल सर, सवाल यही है कि ये वक्त डिसाइड करने का है कि जरूरी सबसे ज्यादा चीज क्या है। अनुराग अग्रवाल साहब, इसको ही आपदा में अवसर कहते हैं क्या? आपदा में अवसर तलाशना या फिर मजबूरी है? सरकार को राजस्व इकट्ठा करना है तो सबसे बेहतर विकल्प है, इसीलिए मजबूरी है सरकार की। मैं मधुकर जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जहां तक राजस्व की बात हुई, पिछले समय भी 2 महीना 3 महीना लॉकडाउन रहा, लेकिन साल में अंतिम में अगर राजस्व की जो दर रही वो आखिर उस टारगेट वो पूरा हो ही गया था, उस टारगेट में कतई कोई कमी नहीं हुई थी। मुख्य विषय इस बात का है कि इसके पीछे लोग कौन है जिनके दबाव में ये बंदी ये शराब खुल रही है, ये खोजने की आवश्यकता है। शराबबंदी के दो अवसर, जब लगातार हम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसियों से मांग करती रही कि आप शराबबंदी कहिए, हमेशा कहते हैं हम अचानक शराबबंदी नहीं करेंगे, मौका आएगा हम क्रमशः शराबबंदी करेंगे। इस समय प्रकृति ने दो बार मौका दिया था कांग्रेस को शराबबंदी करने का। एक बार पिछले समय, जिस समय 1 महीने तक लोगों को लगभग शराब नहीं मिली, वो समय था, ये चाहते तो उस समय शराबबंदी की दिशा आगे बढ़ा सकते थे और क्रमबद्ध तरीके से कार्य चालू कर सकते थे। पुनः उनको एक मौका मिला है, आज 40 दिन से लोगों को शराब नहीं मिली है। अगर इनकी नियत शराबबंदी को लेकर है तो ये शराबबंदी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि शराबबंदी हम करेंगे। अभी भंसाली साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं शराबबंदी हमारे एजेंडे में है, लेकिन नोटबंदी जैसा नहीं करेंगे कि अचानक से फैसला कर दिया, लेने के देने पड़ जाए। महोदय, मैं वही तो कह रहा हूँ, 30 महीना निकल चुका है, दो बार प्रकृति ने आपको मौका दिया, 40 दिन लोगों को शराब नहीं मिला, क्रमशः शराबबंदी की ओर कदम बढ़ा सकते थे। जब से आपकी सरकार बनी है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेटी बनाने के अलावा कुछ नहीं है। वास्तव में महोदय, इसके पीछे कोई ऐसी लॉबी है जिसको 2 दिन के अंदर FL-10 का लाइसेंस दे दिया गया, जो इसके पीछे कोई एक लॉबी है जो शराब का खेल कर रही है। वास्तव में शराब के राजस्व की बात नहीं है, शराब के पीछे जो व्यक्तिगत लाभ की बात है, उसके पीछे सरकार के प्रशासन के नुमाइंदे हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए शराब दुकान खोला जा रहा है, अन्यथा कोई भी एक कारण नहीं है। मैं नितिन भंसाली जी को व्यक्तिगत रूप से, नहीं तो ये बात उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में भी लागू होती है ना फिर अग्रवाल साहब? मैं फिर बता दूं, मैं नितिन भंसाली जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अगर हाथ रख के बात करेंगे तो जैसे रूप है 6/2021 10 मई 2021 के बिंदु क्रमांक 3 में वाराणसी के कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है कि शराबबंदी होगी। अरे राम राज्य की बात करते हो, राम राज्य की बात करते हो, जिस राज्य में इतना बड़ा मंदिर आप भगवान श्री राम का बना रहे हो, आप बताओ कि ऐसे मौके में जब पूरे प्रदेश में नितिन भंसाली साहब, अगर आप मिसाल के तौर पर यूपी को ले रहे हैं, भंसाली साहब, आप अगर यूपी को मिसाल के तौर पर ले रहे हैं, तो क्या कांग्रेस भी बीजेपी की नीतियों के हिसाब से ही चल रही है क्या? कि जो बीजेपी करेगी वही हम भी करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं, हम शराबबंदी करेंगे। और ये अभी चिक चिक के कह रहे थे, ठीक है, नोटबंदी की, GST किया, लॉकडाउन रात को 8 बजे आकर एकदम से कोरोना के दौरान पिछले वर्ष लॉकडाउन किया, शराबबंदी कर दीजिए। देश के प्रधानमंत्री पूरे देश में शराबबंदी कर दी, कौन मना कर रहा है आपको? आपको लग रहा है कि सरकार की साख पर बट्टा जरूर लग रहा है इस फैसले से? बिल्कुल कोई पट्टा नहीं लग रहा है, हमें जो उचित निर्णय जो उचित लगा समय पे, और उस समय पे जो उचित लगा वो निर्णय हमने लिया है, और शराबबंदी की ओर हम अग्रसर है, हमारी प्राथमिकता में इस प्रदेश में शराब। नहीं तो क्या माने पुनर्विचार इस पर हो सकता है सरकार के स्तर पर? देखिए, अब पुनर्विचार होगा नहीं होगा ये कैबिनेट का काम है, अधिकारियों का काम है, प्रशासन का काम है। 15 मई सुबह 6 बजे तक के लॉकडाउन घोषित किया गया है, वो भी पूरे प्रदेश में नहीं है, जिलों के अनुसार घोषित किया गया है। तो जब ये समय सीमा पूरी होगी तब फिर से आगे इसको किस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जाना है या नहीं बढ़ाया जाना है, मैं ये सवाल आपसे एक आम नागरिक के नाते भंसाली साहब कर रहा हूँ, छोड़ दीजिए बीजेपी प्रवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता, एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है कि ये वक्त लोगों को दवा और राशन घर घर पहुंचाने का है जिससे लोग भूखे ना मरे, या फिर शराब की होम डिलीवरी का कि लोग होश में ही ना रहें?
दवाएं भी होम डिलीवरी हुई है, ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। होम आइसोलेशन में हमने दवाएं तक की छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने घर तक के पहुंचाया। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन भी छत्तीसगढ़ से गए हैं। मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं हुई है। और कोरोना में मैं बता दूं, कोविड पे छत्तीसगढ़ नियंत्रण की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है, रिकवरी रेट भी बढ़ा है और तेजी से हम इसके सुधार की ओर कार्य कर रहे हैं। अनुराग अग्रवाल साहब वो कह रहे हैं कि सरकार को जो ठीक लगा वो फैसला सरकार ने किया, हालांकि वो पूर्ण रूप से शराबबंदी का अब भी दावा कर रहे हैं कि जब मौका आएगा तो वो फैसला लेने से भी हम नहीं चूकेंगे। बीजेपी क्या इस आपदा के समय में अवसर तलाश रही है कि सरकार को किसी तरह कटघरे में खड़ा किया जाए, यानी विपक्ष की सभी जगह कुछ यही भूमिका है क्या? बीजेपी सरकार को कटघरे में नहीं कर रही, बीजेपी नहीं छत्तीसगढ़ का एक जनता जनता पूछ रहा है कि जब लोग हजारों की संख्या में मर रहे हैं उसको बहाना करके घर घर दवाई पहुंचाने की आवश्यकता है कि जब कुछ मौतें हुई उसको बहाना करके शराब पहुंचाने की आवश्यकता है? राजनीति में नैतिकता के इससे बड़ी गिरावट मुझे लगता है पूरे देश में कभी नहीं हुई कि आप जिस समय लोगों को दवाई की आवश्यकता दारू पहुंचा रहे हैं और यहाँ बैठ के हम जो जनता समझ रही है वो जनता ही तय करेगी। लेकिन एक फाइनल रिएक्शन में मधुकर द्विवेदी साहब आपसे जरूर लूंगा, क्या आप ये बात मानते हैं कि सरकार ने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया और सरकार का ये फैसला उसकी छवि को धक्का पहुंचा रहा है और सरकार को इस संबंध में कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए? देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित तौर पे सोच समझ के लिया होगा, लेकिन आज उन लोगों से भी पूछिए ना जो छत्तीसगढ़ के वो लोग जो सुरापेयी हैं, शराब का सेवन करते हैं, वो कितने खुश हैं। सरकार का काम, सरकार को तो सबको ध्यान रखना चाहिए ना। अगर सरकार ने राशन घर घर पहुंचाने का जिम्मा लिया है, दवाइयां भी घर घर जा रही हैं, तो शराब में कौन सी ऐसी बुराई है जो ऑनलाइन न किया जाए? दुकान तो खोली नहीं है, शराब वहां भीड़ तो होगी नहीं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग इन सब की बातें तो होगी नहीं। अग्रवाल जी चूंकि शुद्ध सात्विक व्यक्ति है, शराब का सेवन नहीं करते, इसलिए बड़ी सात्विक बातें कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है भैया अग्रवाल जी, वो समग्र छत्तीसगढ़ के दृष्टि से लिया है। आज आप देखिए, अगर दुकानें खुल जाती तब तो आप कह सकते थे कि साहब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, तमाम सारी चीजें आती, तमाम ऐसी बातें आती जो सरकार की छवि पे पत्ता लगाती। लेकिन अगर सरकार ने ऑनलाइन किया है, बाकी आप शराब, अगर शराब की दुकानें हैं, लाइसेंस है, शराब का उत्पादन है, शराब पीने का सेवन करने वालों की संख्या लाखों में है छत्तीसगढ़ में, तो क्या शराब की बोतल्स को तोड़ करके नालियों में फेंका जाएगा? ऑनलाइन अगर सरकार ने बिक्री चालू की है, चले तो यानी आपको लग रहा है कि कम से कम शराब के शौकीनों के लिए तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये फैसला बहुत बेहतर ही होगा। संजीवनी के तौर पर ये फैसला देख रहे होंगे कि अब आसानी के साथ घर बैठे शराब उपलब्ध होगी, लेकिन उन लोगों के बारे में भी विचार करना बेहद जरूरी है जो इस महामारी के दौर में परेशान घूम रहे हैं, जिनके पास दो जून की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे लोगों को अगर ये पता चलता है कि हमारी सरकार क्या फैसला कर रही है तो ऐसे लोग आखिर अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, और क्या सरकार का ये फैसला मुखौल साबित नहीं होगा? बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। Like this, on a night like this, when the city is open, when the city is open, nights like this, on a night like this, when the city is open for you, when the city is open, got a lot of hate from your whole crew, I don't need a fuck, I wanna hold you, tell you all the things you never told you, tell you all the things, yeah.
पात्रा, अगर हम ये कहेंगे कि अखबारों में इश्तहार दिया जा रहा है और हमने कागज लिखा, हमने पत्र लिखा, लोग इसको मजाक समझेंगे जो खुद उनके साथ हो रहा है। आपको पता है कि बिहार की स्थिति क्या है सर, और ये बताने ये तस्वीरें बोल रही हैं खुद, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना का ये